हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोचिंग ज्ञान ज्ञान ऐसा जो आपके काम आए। गाइज, आज हम बात करेंगे एलन करियर इंस्टीट्यूट के 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के कोर्सेज के बारे में। जी हाँ गाइज, यानी कि हम बात करेंगे एलन करियर इंस्टीट्यूट के प्री नर्चर कोर्सेज के बारे में, क्या क्या उनमें फीचर्स रखे गए हैं, क्या नए फीचर्स हैं, कब से कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, क्या उनकी फीस है और किस डेट से कहाँ पर क्लासेज लगेंगी। तो चलिए गाइज, जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर हम प्री नर्चर कोर्सेज के ऑफलाइन कोर्स के फीचर्स के बारे में सबसे पहले अगर बात करें, तो उसमें सबसे पहला फीचर रखा गया है कि इन कोर्सेज में ओनली CBSE से एफिलेटेड स्कूल वाले स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम इन कोर्सेज में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, तो इस कोर्स में आपको साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड SST, साथ में आपको मेंटल एबिलिटी के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। गाइस, थर्ड पॉइंट में अगर हम इन कोर्सेज में एडमिशन मोड की बात करें, तो आप किसी भी मोड में इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट अगर चाहें तो SAT एग्जाम देकर के भी एडमिशन ले सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन करवा सकते हैं। अगर स्टूडेंट ने टैलेंट टेक्स का एग्जाम दिया हुआ है और उसकी तरह वो एडमिशन लेना चाहें, तो टैलेंट टेक्स के एग्जाम के थ्रू भी आप एडमिशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इन कोर्सेज में क्लासेस के मोड की बात करें, तो वैसे तो ये क्लासरूम कोर्सेज हैं, इसलिए इनमें ऑफलाइन क्लासेज ही स्टार्ट होनी है, लेकिन अभी कुछ टाइम तक क्लासेज ऑनलाइन रखी जाएंगी और उसके बाद गवर्नमेंट की गाइडलाइन जैसे ही आती है उसके बाद में ऑफलाइन क्लासेस इन कोर्सेज में लगेंगी। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम इन कोर्सेज में मीडियम की बात करें, तो वैसे ये इंग्लिश मीडियम के ही कोर्सेज हैं, इंग्लिश मीडियम में ही इनकी क्लासेस भी रहेंगी, लेकिन यहाँ पे बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस का यूज किया जा सकता है, लेकिन जो स्टडी मटेरियल होगा वो स्टूडेंट का इंग्लिश में ही रहेगा। और आखिरी पॉइंट में यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये कोर्सेज का ड्यूरेशन कब तक रहेगा, यानी कि कब तक ये कोर्सेज कंप्लीट होंगे, तो गाइज इसका जो ड्यूरेशन है वो अप टू फरवरी या मार्च तक रहेगा, फरवरी या मार्च 2023 तक ये क्लासेज रहेंगी। गाइस, के बाद में अगर हम इन कोर्सेज के क्लास स्टार्टिंग डेट और फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो गाइस क्लास स्टार्टिंग डेट के बारे में सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक सभी क्लासेस जो हैं उनके दो फेज अनाउंस किए गए हैं, जिसमें फेज 1 4 अप्रैल से स्टार्ट होगा और फेज 2 9 मई से स्टार्ट होगा। गाइस, हो सकता है इन डेट्स में आगे जाकर के कोई चेंजेस किए जाएं, बट फिलहाल अभी कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं और कोर्स स्टार्टिंग डेट यही रखी गई है। गाइस, अब बात कर लेते हैं इन कोर्सेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो गाइस, फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दो तरीके का रखा गया है, यानी कि एक 25 जनवरी की डेट रखी गई है जिसमें फीस कम है, अगर आप उसके पहले फीस सबमिट करते हैं तो फीस आपकी कम रहेगी, हालांकि 25 जनवरी के बाद में इस डेट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, तो उस डेट तक अगर आप फीस जमा करते हैं तो तब तक आपकी फीस कम रहेगी और उसके बाद में फीस बढ़ जाएगी। तो गाइस, अगर सबसे पहले बात करें क्लास 6 के फीस स्ट्रक्चर की, तो गाइस अगर आप 25 जनवरी के पहले क्लास 6 में फीस जमा करते हैं तो आपको 30,000 रुपीज पे करने होंगे, जो कि आप एक ही बार में पे कर पाएंगे। अगर आप उसके बाद में ये फीस जमा करेंगे तो ये फीस बढ़ करके 37,000 हो जाएगी, जिसे आप 22,000 प्लस 15,000 के इंस्टॉलमेंट में जमा कर पाएंगे। अगर वन टाइम में पे करेंगे तो ये फीस 35,000 रहेगी। इसके बाद बात करें अगर क्लास 7 के फीस स्ट्रक्चर की, तो गाइस अगर उसमें 25 जनवरी के पहले आप फीस जमा करते हैं तो 33,000 रुपीज़ आपको जमा करने होंगे, जो कि वन टाइम में ही पे करने होंगे। अगर आप 25 जनवरी के बाद में क्लास 7 की फीस जमा करते हैं तो ये फीस बढ़कर के 40,000 हो जाएगी, जिसे आप 24,000 और 16,000 के इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। वन टाइम में अगर आप ये फीस पे करेंगे तो 38,000 आपकी फीस जमा करनी होगी। क्लास 8 के बारे में यहाँ पे बात करें, तो 25 जनवरी तक क्लास 8 की फीस 39,000 है, 25 जनवरी के बाद में ये बढ़कर के 47,000 हो जाएगी, जिसे आप 28,000 प्लस 19,000 के इंस्टॉलमेंट में जमा कर पाएंगे। वन टाइम में अगर आप इसे पे करेंगे तो 45,000 आपको पे करने होंगे। इसी तरह से अगर हम 9th क्लास के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो 25 जनवरी के पहले अगर आप 9th क्लास की फीस जमा कर रहे हैं और अगर वन टाइम में पे कर रहे हैं तो आपको 52,000 ही फीस जमा करनी होगी, लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करते हैं तो 55,000 वो फीस रहेगी, जिसे आप 27,500 और 27,500 के इंस्टॉलमेंट में जमा कर पाएंगे। लेकिन गाइस, अगर आप 25 जनवरी के बाद में 9th क्लास की फीस को जमा करते हैं तो ये फीस बढ़कर के 63,000 हो जाएगी, जिसे आप 39,000 प्लस 24,000 के इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। अगर आप वन टाइम में ये फीस पे कर रहे हैं तो 60,000 ही आपको पे करने होंगे। और अगर गाइस लास्ट में हम यहाँ पे क्लास 10th के फीस स्ट्रक्चर की बात करें, तो 25 जनवरी के पहले क्लास 10th के लिए फीस 60,000 है, जिसे आप 30,000 प्लस 30,000 के इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। वन टाइम में पे कर रहे हैं तो 57,000 ही आपको पे करने होंगे, लेकिन अगर आप 25 जनवरी के बाद क्लास 10th की फीस जमा कर रहे हैं तो ये फीस बढ़कर के 68,000 हो जाएगी, जिसे आप 44,000 प्लस 24,000 के इंस्टॉलमेंट में जमा कर पाएंगे। वन टाइम में अगर आप पे करते हैं तो आपको 65,000 ही पे करने होंगे। गाइज, अगर आप इसी तरह से ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में भी डिटेल पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो को पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही गाइज, अगर आप कोटा या कोटा की कोचिंग से जुड़ी अपडेट्स इसी तरह से रेगुलर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ में ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।